हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट। आपका स्वागत है हमारी वीकली सीरीज नेक्स्ट वीक बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की, यानी जो वीक 30 मार्च को शुरू हुआ था, उस वीक में एफआई की सेल ऑफ अभी भी कंटिन्यू है और एफआई मार्च के महीने अभी तक 65,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। और अगर हम जनवरी से बात करें, जनवरी फरवरी मार्च तीन महीनों में अभी तक मिला के 83,000 करोड़ से ज्यादा की एफआई ने सेलिंग की है। निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक निफ्टी में वीकनेस देखी गई। निफ्टी मंडे को ओपन हुआ था 8386 पर और फ्राइडे को निफ्टी ने 8884 की क्लोजिंग दी। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीक ही बताया था कि निफ्टी में वीकनेस रहेगी, तो वही हुआ। निफ्टी ने इस वीक वीकनेस दिखाई। 8000 के लेवल पर निफ्टी पर मेजर सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो इसी वीक में हमें 7500 तक के लेवल भी हो सकता है देखने को मिले। ऊपर में 8500 तक का लेवल निफ्टी दिखा सकता है, जिस पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपका व्यू हमेशा जब भी मार्केट में उछाल आए तो उस पर बेचना ही होना चाहिए। कोरोना वायरस पर कंसर्न अभी भी कंटिन्यू है। ग्लोबली अभी तक 11 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस हो चुके हैं और 64,000 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं ग्लोबली। धीरे धीरे यूएस, यूरोप और इंडिया में भी ये फैल रहा है और इटली, स्पेन, फ्रांस और अमेरिका में चाइना से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं अभी तक। लास्ट वीक ऑटो सेल्स के नंबर आए थे 1 अप्रैल को, और जैसा कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ऑटो सेल्स के नंबर काफी वीक रहे। अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मार्च 2019 के मुकाबले मार्च 2020 में मारुति की बिक्री में 47%, टाटा मोटर की बिक्री में 68% और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में 88% का दबाव देखा गया। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो मार्च 2019 के मुकाबले मार्च 2020 में टाटा मोटर की बिक्री में 90%, अशोक लेलैंड की बिक्री में 91% और महिंद्रा की बिक्री में 90% सेल्स में दबाव देखा गया। लास्ट वीक चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी आए जो कि काफी अच्छे थे। फरवरी में ये 35.7 था जो कि मार्च में 52 हो गया। तो इसका मतलब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कुछ शुरू हुई है, तो एक थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के ऑफिशियल पीएमआई जो आंकड़े आए वो लास्ट फरवरी में 54.5 की बजाय मार्च में 51.8 रहे, जो कि थोड़े से खराब हैं। 1 अप्रैल से कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर भी इफेक्टिव हुआ है, जो कि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया है, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया है और आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की, यानी अगले हफ्ते जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसमें हम क्या करें। तो सबसे पहले हमें कोरोना वायरस का इम्पैक्ट देखना होगा कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट किस तरीके से ये फैलता है, क्योंकि जिस तरीके से फैल रहा है यूएस में काफी स्थिति खराब है, यूरोप में भी काफी स्थिति खराब है और भारत में भी अभी धीरे धीरे काफी स्थिति खराब होती जा रही है। हालांकि अभी पीछे काफी सारे सेंट्रल बैंक्स ने और काफी सारी गवर्नमेंट्स ने भी काफी रिलीफ पैकेज अनाउंस किए थे। हमें लगता है कि इस हफ्ते में इंडस्ट्री को लेकर अभी तक भारत में कोई भी रिलीफ पैकेज नहीं आया, तो हमें लगता है इस हफ्ते में भारत में इंडस्ट्री को लेकर कोई रिलीफ पैकेज आ सकता है, ऐसा संभावना है। 6 अप्रैल को मार्केट क्लोज रहेगा महावीर जयंती की वजह से, और 6 अप्रैल को जापान का निक्केई अपने पीएमआई के आंकड़े रिलीज करेंगे। 7 अप्रैल को जैसा कि लास्ट वीक ही अनाउंस हुआ था, सिंगापुर में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हो जाएगा 7 अप्रैल से। 9 अप्रैल को यूएस जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से मार्केट बंद रहेगा। तो आप देखते रहें हमारा चैनल टैक्स फॉर वेल्थ वीकली न्यूज के लिए, मार्केट्स पर अपडेट के लिए, और घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।